नमस्कार दोस्तों, क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है टाइम एंड वर्क। इससे आरआरबी में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ आरआरबी, जो आरआरबी में क्वेश्चंस आया हुआ है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। फिर बोल रहा है कि बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। उसके बाद बोल रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 6 डेज। तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि ए एंड सी टुगेदर कितना दिन में काम करें को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको जो सॉल्व करेंगे, ये एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए कैसे, तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है कि ए और बी मिलके मेरा कितना दिन में पूरा कर रहा है काम को, 8 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, बी और सी मिलके कितना दिन में पूरा कर रहा है, ये 12 दिन में पूरा कर रहा है। और ए बी सी जो है ये तीनों मिलके कितना दिन में पूरा कर रहा है, मेरा 6 दिन में कर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24। ठीक है, 24। अब क्या कीजिए, 24 को 8 से पहले भाग दे दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, फिर 24 को 12 से भाग दीजिए आएगा मेरा 2। फिर 24 को 6 से भाग दीजिए आएगा मेरा कितना, 4। तो यहाँ देखिए, हर एक का मेरा कितना, हर एक का मेरा 1 डे का मेरा एफिशिएंसी निकल गया कि एक दिन में ये कितना, 3 यूनिट का काम करेगा, ये 2 यूनिट का, ये 4 यूनिट का। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ए और सी का निकालना है। ठीक है, ए एंड सी मेरा टुगेदर कितना दिन में काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों कि ए और सी निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, बी सी का निकाल, यहाँ बी सी का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ए मेरा निकल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो मेरा सी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, बी सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो बी सी का वैल्यू कितना है, 2। तो 2 यहाँ पे पुट कीजिए तो देखिए, तो ए का यहाँ पे कितना कितना निकल जाएगा, ए प्लस 2 बराबर 4 है, तो ए मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक ए का एक दिन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2 यूनिट होगा। ठीक है, अब निकालते हैं मेरा सी का। ठीक है, तो सी का निकालने के लिए यहाँ ए प्लस बी का हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरा, 3 है, तो सी का मेरा कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो ए और सी मिलके कितना दिन, कितना यूनिट का काम करेगा, टोटल 2 और 1 3। ठीक है, टोटल मेरा कितना हो गया, टोटल मेरा हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, तो 3 यूनिट मेरा जो है वो कितने दिन में करता है, 1 डे में। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कि 24 यूनिट कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 24 को भाग दे देंगे 3 से, तो 24 को अगर 3 से भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा, 8, मेरा आंसर आ जाएगा 8 डे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डज अ वर्क इन 10 डेज एंड बी डज द सेम वर्क इन 15 डेज। कहा जा रहा है कि ए जो काम को 10 दिन में पूरा करता है वही काम को बी जो है 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर विल डू द सेम वर्क। तो दोनों अगर साथ में मिल के काम करता है तो वो कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ए का ए कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। बी यहाँ पे कितने दिन में पूरा करता है मेरा, 15 दिन में। ये दोनों का आप लोग एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम मेरा कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, तो अब 1 डे एफिशिएंसी निकालते हैं, तो यहाँ क्या कीजिए, 30 को भाग दे दीजिए 10 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। 30 को भाग दे दीजिए 15 से, आ जाएगा मेरा कितना, 2। ठीक है, तो अब देखिए, ए का मेरा एफिशिएंसी कितना निकला, 3 यूनिट। अब बी का एफिशिएंसी कितना निकला, 2 यूनिट। ठीक है, एक दिन में। तो अब क्या हम लोग को क्या निकालना है, दोनों मिलके कितना यूनिट का काम करेगा मेरा, 3 और 2 5 यूनिट का, टोटल मेरा जो हो जाएगा वो 5 यूनिट।
ठीक है, तो 5 यूनिट कितना, एक दिन में, वन डे में, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है कि 30 यूनिट मेरा कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे हम लोग 30 को 5 से भाग दे देंगे, मेरा कितना आएगा 6, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 6 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज विच बी कैन डू इट इन 21 डेज। बोला जा रहा है कि ए जो काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है वही बी जो है 21 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दे बिगिन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स ऑफ, ठीक है। कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कम्प्लीट द वर्क इज, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेरा कि ए कितने दिन में काम को पूरा करता है, 14 दिन में। बी कितने दिन में पूरा करता है, 21 दिन में। दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 42, ठीक है। फिर एक दिन का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो 42 भाग दे देंगे 14 से, तो यहाँ आ जाएगा 3। फिर 42 को भाग दे देंगे 21 से, आ जाएगा मेरा 2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि दे बिगिन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ द वर्क ए लिव्स ऑफ, 3 दिन पहले क्या करता है, ए जो है छोड़ देता है काम को। पहले क्या करता है, दोनों का दोनों एक साथ काम करता है, ठीक है। लेकिन कितने दिन के लिए काम करता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये पता यहाँ पे चल रहा है कि 3 दिन पहले जो है ए क्या करता है, छोड़ देता है। तो लास्ट का जो 3 दिन होगा वो मेरा क्या करेगा, वो मेरा केवल बी काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट का 3 दिन में बी कितना काम करता है। तो तीन एक दिन में मेरा 2 यूनिट का काम करता है बी, ठीक है। तो 3 दिन में कितने यूनिट का करेगा, दो दो गुना 3 यानी कि 6 यूनिट का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 42 में से 6 घटा देंगे तो मेरा कितना बच गया, 36 यूनिट। तो 36 यूनिट का जो काम है, 36 यूनिट का जो काम है वो क्या करेगा, ए और बी दोनों मिलके, ये जो 36 यूनिट का काम है, 36 यूनिट का काम ये मेरा ए बी दोनों मिलके करें, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलके कितना यूनिट का काम करता है एक दिन में, 5 यूनिट का। तो 36 यूनिट कितना दिन में करेगा, तो 36 भागा हम लोग क्या दे देंगे, 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, आ जाएगा 7 1/5, ठीक है। तो ये तो आ गया रिमेनिंग का, और इससे पहले 3 दिन यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 3 दिन जो है ए भी मेरा ए, जो 3 दिन जो है वो मेरा बी काम कर चुका है, तो इसमें 3 ऐड कर देते हैं और, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 10 1/5, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। मेरा जो है ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में कोई काम को पूरा करता है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कि ए एलोन कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज, ठीक है। ए जो है अकेले 20 दिन में वही काम को पूरा करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ बी डज द वर्क ओनली फॉर हाफ अ डे, अगर बी जो है आधा दिन ही काम करता है, तो इस तरह अगर चलता रहा तो देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, दोनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, मेरा आ जाएगा 60। फिर क्या होगा, इसका दोनों का एफिशिएंसी निकालते हैं, तो यहाँ 60 को 12 से भाग दे देते हैं, आ जाएगा मेरा 5। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 60 को 20 से भाग देंगे तो आ जाएगा मेरा 3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बी का हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो बी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी मेरा 5 दिया हुआ है और ए मेरा 3 दिया हुआ है, यानी कि बी मेरा कितना आएगा, मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी डज द वर्क ओनली फॉर हाफ अ डे, अगर बी एक दिन में कितना यूनिट का काम कर रहा है मेरा, ये कर रहा है एक दिन में, वन डे में, तो आधा दिन में कितना करेगा, ये आधा, इसका आधा यूनिट का, इसका आधा करेगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, एक यूनिट होगा, ठीक है। तो अब क्या हो जा रहा है कि एक दिन में जो बी जो है वो 1 यूनिट का काम कर रहा है और ए जो है मेरा वो 3 यूनिट का काम कर रहा है, तो दोनों को मिला के मेरा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी जो हो जाएगा वो मेरा होगा 3 प्लस 1 यानी कि 4, ये हो जाएगा 4 यूनिट,
तो टोटल मेरा 60, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 60 यूनिट हो जाएगा मेरा 60/4, यानी कि आ जाएगा 15, 15 होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए 20 दिन में कोई काम को पूरा कर सकता है, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में मेरा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ए जो है कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी जो है वो 60 दिन में। पहले तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तीनों का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब एक दिन का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 60/20 यानी कि आ जाएगा इसका 3, यहाँ 60/30 यानी कि आ जाएगा 2, 60/60 यानी कि आ जाएगा 1। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए डज द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन द एवरी थर्ड डे। हर तीसरे दिन में वो किसके साथ काम करता है, ए जो है बी और सी के साथ काम करता है। ठीक है, तो पहले 2 दिन में जो है ए क्या करेगा, अकेले काम करेगा। ठीक है, तो पहले दो दिन में पहले ए का निकाल लेते हैं कितने कितना काम कर चुका है। ठीक है, पहला दिन में काम करता है 3 यूनिट का, दूसरे दिन में भी 3 यूनिट का काम करेगा, और तीसरे दिन में जो है वो कितने यूनिट का काम करेगा, तीनों के साथ काम, दोनों के साथ काम करेगा, बी और सी के साथ काम करेगा। तो मेरा यानी कि तीनों का तीनों काम कर रहा है तीसरे दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कि टोटल मेरा तीसरे दिन में कितना काम हो रहा है, 6 यूनिट का काम हो रहा है। तो 3 दिन में कितना मेरा काम हो जा रहा है, 6, 3, 9 और 3, 12, 12 यूनिट का काम हो गया ये 3 दिन में, 3 डेज में मेरा 12 यूनिट। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि 60 यूनिट मेरा कितना दिन में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 से गुना कर देते हैं और इसको भी 5 से गुना कर देते हैं, यानी कि 15 दिन में मेरा क्या हो जाएगा, 60 यूनिट का काम होगा। ठीक है, आंसर मेरा क्या होगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 डेज, 6 मोर मैन ज्वाइन देम, हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कम्प्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है कि 12 मैन जो है मेरा वो कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, 9 दिन में, 9 डेज में। ठीक है, तो हम लोग पहले टोटल क्या यहाँ पे टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। टोटल मेरा वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन मेरा हो जाएगा 12 × 9 यानी कि हो जाएगा 108 यूनिट। ठीक है, 108 यूनिट मेरा टोटल हो गया। अब क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 डेज, तो 6 डेज तक ये जो 12 मैन मिलके मेरा जो है वो कितने दिन तक काम कर रहा है, 6 दिन तक। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दिन तक इन लोगों का जो काम है वो कितना हो जा रहा है वो निकाल लेते हैं पहले। तो 9 × 6 यानी कि मेरा हो जाएगा 54 यूनिट। ठीक है, 54 यूनिट का काम जो है वो 6 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, तो रिमेनिंग मेरा कितना बच जा रहा है, तो 108 में से 54 घटा देते हैं, मेरा बच जा रहा है कितना, 54 यूनिट। ठीक है, 54 यूनिट जो है मेरा बच जा रहा है, ये मेरा रिमेनिंग, ये मेरा क्या हो रहा है, रिमेनिंग। ठीक है, ये मेरा रिमेनिंग बच जा रहा है। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 6 डेज 6 मोर मैन ज्वाइन देन। तो अब कितने कितना टोटल मैन हो जा रहा है, 12 और यहाँ पे 6, 18, 18 मैन मिलके 54 यूनिट का काम कितने दिन में पूरा करेगा ये निकाल लेते हैं। वो मेरा रिमेनिंग जो है वो वर्क करने में जितना दिन लग रहा है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 54, 54 को हम लोग क्या दे देते हैं, 12 + 6 से भाग दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि 54 मेरा रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग 18 आदमी मिलकर करेगा। ठीक है, तो 54 / 18 यानी कि आएगा मेरा 3 डेज। ठीक है, तो आंसर मेरा हो जाएगा 3 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, व्हाइल 3 मैन एंड 7 वुमेन कैन कंप्लीट इट इन
10 डेज। तो पहले लिख लेते हैं कि मेरा 4 मैन प्लस 6 वोमेन मिलके 8 दिन में कोई काम को पूरा करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 7 3 मैन एंड 7 वोमेन यही काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो फिर एक दिन का एफिशिएंसी निकालते हैं, यहाँ हो जाएगा मेरा 5, और 40 को 10 से भाग देते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि इन हाउ मेनी डेज विल 10 वोमेन कम्प्लीट इट, ठीक है। तो ये मेरा सीधा सीधे दो इक्वेशन में मेरा चेंज हो गया, जिसमें एक इक्वेशन हो गया 4m+6w=5 और 3m+7w=4, ठीक है। ये दोनों को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हम हमको क्या चाहिए, w चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मेन को हटा देते हैं। तो यहाँ देखिए इसको 3 से हम लोग गुना कर देते हैं और इसको 4 से गुना कर देते हैं, तो ये भी 12, ये भी 12, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा इक्वेशन को जो है, ये पूरा हम लोग इक्वेशन को जो है ये 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, और ये पूरा जो इक्वेशन है इसको हम लोग 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 अगर LHS साइड करते हैं गुना, तो RHS साइड भी 3 से गुना करना होगा, यहाँ भी RHS साइड 4 से गुना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12m 12m, ये दोनों को अगर माइनस करते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 18 6 18 W=15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 6 28 W=16। यानी कि मेरा जो है, अगर दोनों को माइनस करते हैं तो 10W=16 -15, यानी कि ये आ जाएगा 1। तो 10 वोमेन मिलके 1 यूनिट का काम पूरा काम करता है, ठीक है। 10 वोमेन जो है 1 यूनिट का काम करती है, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना है, 40 यूनिट है। 40 यूनिट का काम कितने दिन में पूरा कर सकता है वो लोग, तो 40 भागा 1 दे देंगे, मेरा कितना हो जाएगा, 40 दिन में, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि 10 वोमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज, ठीक है, एंड 10 चिल्ड्रेन टेक 14 डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 वोमेन मिलके कोई काम को 7 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। और वही काम को 10 चिल्ड्रेन मिलके मेरा 14 डेज में पूरा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 1 डे एफिशिएंसी कितना होगा, 1 वोमेन का, और 1 डे एफिशिएंसी कितना होगा, 1 चिल्ड्रेन का। तो यहाँ देखिए कैसे निकालिएगा आप लोग, तो यहाँ 7 × 10 कर दीजिए, 70 हो जाएगा, और यहाँ 14 × 10 कर दीजिए, 140 हो जाएगा। अब दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो 70 भागा 40, 140 मेरा कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ 140 भागा 140 मेरा आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 वोमेन का एफिशिएंसी, 1 वोमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2 यूनिट, और 1 चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 यूनिट, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल 5 वोमेन एंड 10 चिल्ड्रेन टेक टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वोमेन और 10 चिल्ड्रेन मिलके कितने दिन में वो काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 वोमेन का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट, 1 चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट। यहाँ पे पुट कर दीजिए, 5 × 2 + 10 × 1, ठीक है। तो यहाँ 5 × 2 = 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यानी कि टोटल मेरा हो गया 20। 20 यूनिट जो है वो क्या हो जा रहा है, 1 डे का एफिशिएंसी हो रहा है, ठीक है। तो मेरा जो है 140 यूनिट मेरा कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 140 को भाग दे देंगे 20 से, यानी कि मेरा आंसर आ रहा है 7, 7 दिन में। तो यहाँ पे आप लोग देखिए आंसर होगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ठीक है। ए जो है, ए इज टू बी जो है, ये 2:1 दिया हुआ है मेरा। ए जो है ट्वाइस एज फास्ट है बी के, ठीक है, बी से दोगुना फास्ट है ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिर से दिया हुआ है कि इफ़ बी कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी जो है 12 दिन में कोई काम को अगर पूरा करता है, तो द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क, तो ए और बी दोनों साथ मिलके वो काम को कितने दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये 2:1 जो दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा 1 डे का एफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी कितना है, 1 दिन का 2 यूनिट, और बी का मेरा 1 दिन का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि बी जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो 1 दिन में 1 यूनिट, ठीक है। तो टोटल मेरा वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन जो होगा मेरा, वो मेरा कितना हो जाएगा, 12 यूनिट, 12 यूनिट। तो यहाँ पे जो है ये कितना हो जाएगा मेरा, 12 यूनिट, ठीक है, 12 यूनिट टोटल मेरा वर्क डन हो गया, 12 यूनिट। तो अब कहा जा रहा है कि दोनों मिलके वही काम को कितने दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो दोनों मिलके देखिए, यहाँ पे दोनों मिलके 1 दिन में दोनों कितना यूनिट का काम पूरा करेगा, 2 और 1 3, मेरा कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर, टोटल मेरा वर्क डन कितना है, 12, ठीक है। तो 12 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 12 भागा 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 दिन में। तो आंसर मेरा हो जाएगा 4 डे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये किस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए एलोन कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 16 डेज, ठीक है, बी एलोन इन 12 डेज, ठीक है। ए जो काम को 16 दिन में पूरा करता है, बी वही काम को 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि ए जो काम को 16 दिन में पूरा करता है, बी वही काम को मेरा 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, 48, ठीक है। तो 1 दिन का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 16 भागा 48 भागा 16 मेरा हो जाएगा, तो 48 भागा 16 मेरा कितना आएगा, 3, ठीक है। फिर 48 भागा 12 यानी कि मेरा कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दोनों का 1 दिन का एक दिन का यहाँ पे एफिशिएंसी निकल गया, ए का कितना आया, 3 यूनिट, अब बी का कितना आया, 4 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फिर कि स्टार्टिंग विथ ए दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि पहला दिन में कौन काम करता है, ए काम करता है, फिर कौन काम करता है, बी करता है, फिर तीसरे दिन में ए, चौथे दिन में फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे करते करते मेरा जो सीरीज़ है वो चलता जाता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते अगर सीरीज चलता गया तो मेरा जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पहले दिन में कौन काम करता है, ए काम करता है, तो यानी कि इसका हो गया 3 यूनिट। अब दूसरे दिन में कौन काम करता है, बी काम करता है, इसका हो गया 4 यूनिट, यानी कि 4 और 3 मेरा हो गया, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट कितने दिन में, 2 दिन में, 2 डेज में कितना हो गया मेरा, 7 यूनिट का काम हो गया, ठीक है। तो मेरा टोटल वर्क डन है मेरा 7 48 यूनिट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको गुणे 6 कर देते हैं, इसको भी गुणे 6 कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया मेरा 42। यहाँ पे गुना 7 भी कर सकते हैं थे, ठीक है। गुना 7 करने से क्या होता है कि 7 7 49 हो जाता है, एक ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मेरा यहाँ पे 48 ही है, तो 48 ही है, ठीक है, इसीलिए हम लोग 49 नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कम ई करके देखते हैं, तो यहाँ 7 गुना 6 किए तो आ गया मेरा 42 यूनिट, ठीक है। तो 42 यूनिट जो है, 42 यूनिट का काम जो है वो मेरा कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में हो रहा है, ठीक है। 12 दिन में मेरा 42 यूनिट का काम पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अब रिमेनिंग कितना बच गया मेरा, रिमेनिंग बच जा रहा है मेरा 6 यूनिट, 6 यूनिट का मेरा काम बच जा रहा है, ठीक है। तो 6 यूनिट का जो काम है वो पहले कौन करेगा,
मेरा ए शुरू करेगा, ठीक है। तो ए अगर शुरू करेगा तो ए कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट का काम करेगा। तो रिमेनिंग मेरा कितना बच जाएगा, रिमेनिंग जो मेरा है वो 3 यूनिट का बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 यूनिट है ये कौन करेगा, मेरा बी करेगा। तो बी जो है एक दिन में 4 यूनिट का कर सकता, तो 3 यूनिट कितना दिन में करेगा, तो 3 भागा 4 इतना दिन में मेरा करेगा, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना हो गया, देखिए 12, और यहाँ पे एक दिन का जो है, एक दिन यहाँ पे 13वां दिन में 13th डे में कौन काम कर रहा है, मेरा ए जो काम कर रहा है, ये कितना दिन का करेगा, 3 यूनिट का करेगा, ठीक है। तो 42 और यहाँ पे 3 45, ठीक है। और रिमेनिंग 3 जो है ये मेरा कौन कर रहा है, ये मेरा बी कर रहा है, ठीक है। रिमेनिंग 3 जो है बी कर रहा है, तो बी यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है मेरा, टोटल डेज कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ 12, यहाँ ए करेगा 13वां दिन में, एक 13 13, और यहाँ 3/4, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 13 3/4, ठीक है दोस्तों। तो आंसर मेरा क्या आ जा रहा है, डी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारा जो क्वेश्चंस है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप मेरे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।